हेलो बच्चों, मैं हूं गोविंदा राव फ्रॉम एसआरईपी। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले आपका 11th क्लास का सिलेबस मैथमेटिक्स का, जिसमें हमारा पहला चैप्टर रहेगा सेट्स थ्योरी। आप में से कई बच्चों ने आपका कॉमर्स लिया होगा या फिर साइंस लिया होगा, उसमें मैथ्स लिया होगा। तो हमारा स्टार्टिंग आपका बेसिक चैप्टर, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में है, एमपी बोर्ड में है, तीनों जगह पे आपका सेट थ्योरी ही पहला चैप्टर डाला गया है। ऐसा इसलिए भी रहेगा क्योंकि आपका बेसिक चैप्टर रहेगा और काफी सारे चैप्टर में इसकी जरूरत होती है। मतलब बहुत बेसिक चीज है कि आगे आपके काम आने ही आने हैं। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, ये भी समझ लो फर्स्ट चैप्टर रहेगा। तो इसको बिल्कुल आराम से देखेंगे, इसके जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज के हिसाब से आपको पैटर्न कराया जाएगा, फिर आप एक्सरसाइज आराम से खुद सॉल्व कर सकेंगे। हमारा सिलेबस में आपका 11th क्लास में 16 चैप्टर है टोटल, जिसके अंदर आपका पहला चैप्टर सेट थ्योरी आएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। सेट क्या होता है? देखिए, सेट हमारे पास होता है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट और डेटा। वेल डिफाइंड क्यों कहते हैं हम इसे? क्योंकि एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको हर कोई एक ही आंसर दे, उसका ट्रू हो हमेशा। ये ना हो कि जैसे मैंने किसी स्टेटमेंट को बोला और वो स्टेटमेंट किसी और के लिए कुछ और बन गया, तो वो हमारा सेट नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सबको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जैसे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, तो मैं भी इसका आंसर वही दूंगा, आप भी उसका आंसर वही दोगे, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि भाई फेवरेट हीरोज के नेम, कि हाँ भाई हमारे फेवरेट, मेरे फेवरेट कुछ और होंगे, मेरा क्राइटेरिया कुछ और हो सकता है सेलेक्ट करने का, कि भाई मैं तो एक्शन के बेसिस पे लेता हूँ हीरोज को, आप लोग ब्यूटी के बेसिस पे लेते हो, कोई किसी और चीज़ के बेसिस पे लेता है। तो अगर हम पसंद की बात करते हैं तो वहाँ हमारी अलग अलग पसंद हो सकती है, मगर इस आपके पास अगर कोई स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता है तो हर जगह फिक्स रहेगा, जिसको हम लोग सेट में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो सेट हमारा क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट एलिमेंट या फिर आपका कोई भी डेटा। ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई भी डेटा, जैसा भी मैंने बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया? उसके अंदर जो नंबर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मेरे पास क्या हो गया? सेट हो गया। अब देखो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम इस पे इस पॉइंट पे बहुत ध्यान रखेंगे कि एक तो वेल डिफाइंड और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स। जैसे कि हम इसके एग्जांपल की बात कर रहे थे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सेट ऑफ वोवल्स। तो आपको पता है सेट ऑफ वोवल्स, हमारे पास वोवल्स होते क्या क्या हैं? हमारे पास वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे पास वोवल्स होते हैं अल्फाबेट में इंग्लिश के। अगर हमें इसको सेट फॉर्म में लिखना है तो सेट हमारा कर्ली ब्रैकेट के बीच में, मतलब कर्ली ब्रैकेट हमारा ऐसा होता है ये, के बीच में कोमास लगा के हम लिखते हैं एलिमेंट्स को, तो हमारे पास सेट बन जाता है। अगर हम कर्ली ब्रैकेट के बीच में एलिमेंट्स को लिखते हैं कोमा लगा के, तो हमारे पास सेट बन जाता है। तो ये हमारा सेट हो किस चीज़ का हो गया? सेट ऑफ वोवल्स का। इतनी बात समझ में आ रही है ना बच्चों? तो यहाँ पे देखो आपके पास जो अंदर लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। सेट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है इसे बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स। ज्यादातर केसेस में आपका ये हमेशा स्मॉल लेटर में होता है, और जो सेट होता है हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने सेट को ए नाम दे दिया, तो जो सेट होता है हमारा वो हमारा हमेशा कैपिटल में होता है, ठीक है ना। हमारा जो सेट होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है। इस तरीके से आपने कुछ स्टैंडर्ड सेट पढ़े होंगे, जैसे कि आपका एक होता है एन, एन हमारा होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। ऐसे एक हमारा होता है सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर को हम लोग जेड से या फिर आई से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या होता है? 0, 1, 2, 3, ये सारी वैल्यू, और -1, -2। देखो ये सब आपको पहले से पता था, बस आपने नया क्या सीखा? नया आपने बस ये सिखा है कि हम लोग इसे लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट का काम ही हमारे रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे हमारे पास सेट ऑफ द नंबर ऑब्टेन व्हेन ए डाई इज थ्रोन। अगर हम एक डाई को उछालते हैं तो वहां पे आपके पास क्या क्या नंबर आते हैं? अगर हम एक डाई को उछालेंगे तो हमारे पास क्या क्या नंबर आते हैं? देखो, एक तो 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारे पास सेट हो गया। अगर हमने इसको सेट में लिख दिया इस तरीके से, तो मेरे पास ये सेट हो गया, नंबर ऑब्टेन व्हेन ए डाई इज थ्रोन। ऐसे मेरे पास एक एग्जांपल लगा कि प्राइम फैक्टर ऑफ 6, 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 3 होते हैं। तो उसको हमने अगर इस तरीके से लिख दिया 2 और 3, तो मेरे पास सेट बन गया। ये हमारे पास सेट बन गया, जिसमें हमने क्या लिखे हैं? प्राइम फैक्टर ऑफ 6 लिख रखे हैं।
और एक और एग्जांपल देखो, जैसे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x + 4। अब अगर जब आप इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर आप कर देंगे इसका, तो आंसर क्या क्या आएगा, एक तो माइनस वन आएगा, माइनस फोर आएगा। तो अगर उसको हम इस तरीके से सेट में लिख दें तो ये मेरे पास क्या हो गया, सेट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 4 इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? अब इसको हम लोग, अगर मैं इसको ये लिख देता हूँ माइनस फोर को मैं माइनस वन, तो भी ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पे सिक्वेंस मैटर नहीं करती, आप एलिमेंट्स को रीअरेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगला एग्जांपल देखो, आउटकम्स मैंने कॉइन इज टॉस, अगर हम एक कॉइन को उछालते हैं तो उसमें क्या क्या आएगा, हेड या फिर टेल, यही आ सकता है अगर आप एक कॉइन को उछालते हो। या फिर आपके पास जैसे नेम ऑफ द रिवर इन ए कंट्री, हमारी कंट्री में कितनी रिवर है, वो सब फिक्स है ना, आपके पास फिक्स है, तो अगर उन सबके नेम को हम लोग कोमास के बीच में लिख देंगे तो हमारे पास वो सेट बन जाएगा। ऐसे आपके पास कलेक्शन ऑफ द ऑल द स्टेट्स इन ए कंट्री, अगर एक कंट्री के अंदर हम लोग स्टेट्स के नेम लिख दें तो वो भी हमारे पास क्या होगा, सेट होगा। ठीक है बच्चों, देखो उसके बाद क्या आएगा, द नेम ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम प्लेइंग इन ए पर्टिकुलर मैच, किसी पर्टिकुलर मैच में जितने प्लेयर, हमारे 11 प्लेयर खेलते हैं किसी क्रिकेट मैच में, अगर उनके नेम को हम लोग एक सेट में लिखते हैं तो हमारे पास सेट होगा वो। जबकि अगला एग्जांपल आएगा द नेम ऑफ द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, तो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर हमारे पास सेट नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट क्रिकेट प्लेयर का सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, वो हमारा सेट में इंक्लूड नहीं होगा, वो हमारा फिक्स नहीं है। जो हमारा फिक्स है, वेल डिफाइंड है, वही हमारा सेट होगा। ठीक है, जैसे आपका कलेक्शन ऑफ द डेज इन ए वीक, भाई एक वीक में आपके जो भी डेज होते हैं उन सबको आप लिख सकते हैं, 7 डेज होते हैं, 7 के आपने नाम लिख दिए तो हमारे पास क्या हो गया, वो आपका सेट बन गया। इतनी बात समझ में आ रही है, सेट होता क्या है, क्या नहीं होता है। उसके बाद इसमें आपको बच्चों क्या पढ़ना है, देखो बच्चों एक सिंबल ये होता है, वैसे सिंबल का नाम होता है एप्साइलन, इस सिंबल का नाम होता है एप्साइलन, मगर हमारा ये सेट थ्योरी में यूज होता है किस लिए, बिलोंग्स टू के लिए। बिलोंग्स टू का मतलब हिंदी में क्या हो गया, कि कोई चीज उसके अंदर है, जैसे कि आपके पास एक सेट हमने ले लिया, ये 1 2 3 4, तो हमारा 1 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या हो गया कि एलिमेंट 1 हमारा ए के अंदर लाई करता है, इसका मतलब ये हो गया। जैसे 2 बिलोंग्स टू ए, ये भी हमारा ठीक है। अगर मैं लिख दूं 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 तो इसके अंदर है ही नहीं, अगर कोई चीज नहीं है तो उसका नेगेटिव हमारे पास बन जाता है ये, इसका मतलब होता है हमारा नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन ये होती है कि जहाँ पे 1 2 3 4 है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 हमारा बिलोंग्स टू ए सेट होगा, मगर आपका अगर किसी ने लिख दिया कि सेट 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये मेरा गलत है, मतलब सेट ए नॉट बिलोंग्स टू ए है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि जैसा एलिमेंट लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही हम बिलोंग्स टू में लिख सकते हैं, उसको अलग से सेट में हमने लिख दिया तो वो हमारा नॉट बिलोंग्स टू आएगा। जैसे कि एग्जांपल हमारा, अगर मैं एक सेट ए लेता हूँ 1 2 3, सेट के अंदर मैंने एक और सेट लिख दिया छोटा सा, अगर मैं लिखूंगा 1 बिलोंग्स टू ए तो सही है, 2 बिलोंग्स टू ए लिखोगे वो भी ठीक है, 3 बिलोंग्स टू ए लिखोगे तो हमारा गलत है, वो हमारा नॉट बिलोंग्स टू आएगा, क्योंकि कोमास के बीच में देखो 3 नहीं है लिखा हुआ, वैसा सेट के अंदर 3 है। अगर हम इसको लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू ए तो हमारा ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा हमारा बिलोंग्स टू में आएगा, कौन सा हमारा बिलोंग्स टू में नहीं आएगा। इसको देख लो एक बार, कॉपी करो। हाँ बच्चों, देखते हैं हम लोग हमारे सेट कितने तरीके के होते हैं, हमारे सेट हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा 11th क्लास में आपका 2 तरीके से हम लोग सेट को लिख सकते हैं, एक हमारा होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग रूल फॉर्म भी, रूल मेथड भी बोलते हैं, मगर हमारा रोस्टर और सेट बिल्डर इन दो नाम से आपका एनसीईआरटी में आएगा, जिसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन बनता है। अब देखो इसको हम लोग लिखते कैसे, कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने एक सेट ले लिया ए, जिसमें मैं क्या लिख रहा हूँ, नेचुरल नंबर लिखता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 ये मेरा एक सेट बन गया। अगर न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा हुआ है तो हमारा हो जाएगा रोस्टर फॉर्म, अगर मैं इसी को ही स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखूंगा तो हमारा हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि देखो इसे कैसे लिखते हैं, इसका पैटर्न ध्यान देना,
इसको हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले x लिखेंगे, x या फिर y या फिर z, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। फिर हम कॉलन का साइन लगाते हैं, ठीक है ना, ये कॉलन लगा दिया। उसके बाद हम x की कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, मतलब उसकी डिटेल लिखते हैं कि x है क्या यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे देखा x यहाँ पे नंबर ले रहा है, क्या नंबर ले रहा है, नेचुरल नंबर ले रहा है, तो हमें यहाँ पे बस क्या लिखना पड़ेगा कि x इज नेचुरल नंबर, और इसको बंद कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट का सेट बिल्डर फॉर्म हमारा ये रहा। इतनी बात समझ में आ गई? आपको इससे ये भी लिखना आना चाहिए और इससे हमारा ये भी लिखना आना चाहिए। अगर आप इसको ये लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x की जगह पे हमें क्या वैल्यू लिखनी है वो यहाँ पे हमें बता देगा। x की जगह पे हमें लिखना है नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे हम लोग नेचुरल नंबर लिखेंगे x की जगह पे। पहले 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 मार्क्स के बीच में, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4-5 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, यहाँ पे हमें इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है। ये सब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म इसमें पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, पहला है मेरे पास क्वेश्चन आएगा ए सेट कि x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड डिविजर ऑफ 18। हमारा x क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर भी आएगा, डिविजर ऑफ 18। अब आप सोचो डिविजर ऑफ 18 क्या क्या होता है, एक तो 1 होता है, 2 होता है हमारा, 3 होता है, 3 के बाद क्या होता है हमारा 6 होता है, 9 होता है, ठीक है, और एक आपके पास 18 भी खुद होता है। तो यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, 3 के बाद आपका 6, 9, 18, तो ये हमारा सेट बन गया, ये हमारा इसका रोस्टर फॉर्म आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हैगा इसमें बी, x इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। भाई x इंटीजर तो है मगर ये कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मेरा x यहाँ से क्या आता है, प्लस माइनस का 3 आता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 3 कोमा माइनस का 3। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो आपका सी क्वेश्चन क्या कहता है कि x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में जितने भी लेटर हैं उसको आपको सेट फॉर्म में लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है। अच्छा एक चीज़ और, हम सेट के अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर सकते, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आपके पास p है, मैंने p लिख दिया, फिर उसके बाद r है, r लिख दिया, फिर i, फिर उसके बाद n, उसके बाद फिर c हैगा, फिर हमारा दोबारा i आ रहा है ना, तो हम i को दोबारा नहीं लिखेंगे, और p भी हमारा रिपीट हो रहा है उसे नहीं लिखेंगे। फिर आता है a, फिर आता है l, तो ये हमारा सेट बन गया प्रिंसिपल लेटर के लिए, ठीक है ना। आगे आपके पास है कि राइट द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आएगी, भाई इसके फैक्टर करने पड़ेंगे ना। फैक्टर करो, देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस करके आपको यहाँ 1 लाना है, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। एक्स को मान लूंगा आएगा एक्स प्लस का 2, माइनस 1 को मान लूंगा तो आएगा एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स हमारा आ गया माइनस का 2 और 1, ये हमारा इसका आंसर आ रहा है। और आपको इसी के सॉल्यूशन को सेट में लिखना है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, माइनस का 2 कॉमा 1, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अगला क्या दे रखा है, x वेयर x इज एन स्क्वायर, और n क्या आएगा हमारा यहाँ पे, यहाँ पे एक कॉलम आएगा, एक कोमा आएगा बस। n क्या आएगा हमारे पास, n इज ए नेचुरल नंबर है, मतलब मुझे नेचुरल नंबर तो लिखना है मगर उसका स्क्वायर करके लिखना है, तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आपका आ गया 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 16, 25, ऐसे हमारा है चलता रहेगा। ये आपके पास आ गया इसका सॉल्यूशन, इतनी बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद जो 6 के आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं, इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना थोड़ा सा ध्यान में समझना है, ठीक है ना, क्योंकि वो लिखना थोड़ा हार्ड होता है, आप रोस्टर फॉर्म तो आसान से लिख सकते हो। देखो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, यहाँ पे अगर आप इसे देखोगे तो लिखा है 1, 8, 27, 64, 125। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये 1 का क्यूब है, ये हमारा 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, इस तरीके से आगे 6 का क्यूब भी आ रहा होगा, और आपका ये पैटर्न आगे तक चल रहा है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सबसे पहले x लिखते हैं, फिर कॉलन का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू लिखेंगे जो फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है, क्यूब हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे n क्यूब, यहाँ पे हमने n क्यूब लिख दिया। फिर हम n की डिटेल बताएंगे कि n हमारा क्या नंबर ले रहा है, n यहाँ पे क्या नंबर ले रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब हमारा n क्या होगा, नेचुरल नंबर, तो हम लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या ऐसे भी लिख सकते कि n इज ए नेचुरल नंबर। ये आपके पास इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मैंने वही लिखा है मगर इसमें और इसमें फ़र्क क्या आएगा,
इसमें और इसमें फर्क ये हैगा कि यहाँ पे तो आपका एलिमेंट चलता जा रहा है, मतलब आपके इन्फाइनेट नंबर्स आएंगे इसमें, और यहाँ पे आपका 125 पे ख़त्म हो जा रहा है। तो बस आपको करना क्या होगा, यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन डालनी पड़ेगी जिसमें आप ये बता दोगे कि भाई हमारा नंबर शुरू यहाँ से हो रहा है और ख़त्म यहाँ से हो रहा है, यहाँ पे होता है। देखिए, लिखेंगे बिल्कुल ऐसे ही x, फिर x इज इक्वल टू n क्यूब, और यहाँ पे हमारा आएगा n कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, एक से लेकर के 5 तक। तो यहाँ पे 1 से आपका ग्रेटर देन होगा n, और लेस देन किससे होगा, इक्वल टू 5 से, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये भी लिखना जरूरी है क्योंकि 1 से 5 के बीच में सिर्फ नेचुरल नंबर ही तो ले रहा है, 1 भी ले रहा है, 5 भी ले रहा है, उनके बीच के सारे नंबर ले रहा है, मगर नेचुरल नंबर ले रहा है। आप क्योंकि अगर नहीं लिखोगे तो रियल नंबर भी हो सकता है, वो तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 इसका, इसने सेट सी दे रखा है 1/2, 2/3, 3/4, ऐसे करके आपका 6/7 तक लिखा हुआ है। अब इसका आपको सेट लिखना है, इसमें रिलेशन सोचो क्या आ रहा है। अब देखो इसमें आप जो भी ऊपर लिख रहे हो, इसमें ध्यान से देखो, जो भी आपका इसमें ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, उससे एक ज़्यादा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। इसका मतलब आपका जो सेट में फॉर्मूला बना, एक्स तो यहाँ लिखेंगे ही लिखेंगे, एक्स तो सब में ही लिखते हैं, फॉर्मूला जो बन रहा है, अगर मैं ऊपर एन लिख दूँ तो मुझे नीचे क्या लिखना पड़ेगा, एन प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे एक ज़्यादा हो रहा है ना, तो हमने एन प्लस वन लिख दिया। अब हम इनकी डिटेल बताएंगे, अब एन की वैल्यू क्या पुट कर सकते, अगर मैं एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मेरा यहाँ पे तो मेरा पहला एलिमेंट आएगा 1/2, 2 पुट करूंगा तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, 3 पुट करूंगा तो तीसरा एलिमेंट आएगा, और अगर मैं 6 पुट कर दूंगा तो मेरा लास्ट एलिमेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो n है वो लाई कर रहा है 1 से लेकर के 6 तक, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है यहाँ पे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है आपका पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। उसके बाद देखो अगला 9th क्वेश्चन है इसमें, डी एक्स इज एन ऑड नंबर व्हेन इट डाइज फ्रॉम, अगर आप एक डाई को उछालते हो तो उसमें नंबर आ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, मगर आपका उसमें बोला है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर हमारे क्या होंगे, 1, 3 और 5, ये हमारे पास ऑड नंबर का सेट बन गया। ठीक है, ऐसे आपके पास सेट ई दे रखा है एक्स, एक्स इज इक्वल टू एन क्यूब बाय टू, एन क्यूब बाय टू, और एन की वैल्यू 1 से 4 तक लाई कर रही है, और बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब आपको इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पुट करना है, एन की जगह पे 1, 2, 3, 4 वैल्यू पुट करनी है, तो उससे आपका ये रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म के लिएगा, तो अगर आप 1 पुट करेंगे तो आएगा 1 क्यूब बाय 2, अगर यहाँ 2 पुट करेंगे तो आएगा 2 क्यूब बाय 2, 3 पुट करेंगे 3 की पावर 3 बाय 2, और 4 पुट करेंगे तो आएगा 4 क्यूब बाय 2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर दोगे ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इसे एक बार कॉपी कर लो अच्छे से, उसके बाद आगे कराते हैं। देखो बच्चों, अब आता है आपका टाइप्स ऑफ सेट। आपके 4 टाइप सेट होते हैं। पहला होता है हमारा एम्प्टी सेट, जिसको हम नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है फाइनाइट सेट, तीसरा होता है इनफाइनाइट सेट, और चौथा हमारा होता है सिंगलेटन सेट। देखो ये सब होते क्या क्या हैं। आपके पास एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता, विच हैज नो एनी एलिमेंट, जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसको डिनोट किससे करते हैं, हम उसको डिनोट करते हैं फाई से, इसको हम लोग फाई पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये आपके पास फाई होता है, ये इसका सिंबल होता है, उसको फाई से लिख सकते हैं या फिर किससे लिख सकते हैं, ऐसे खाली। ये हमारा इसका रोस्टर फॉर्म हो गया, सिर्फ इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा, बस ऐसे करली ब्रैकेट बना देंगे, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, या फिर नल सेट हो गया, या फिर वॉइड सेट हो गया। अगर आप ऐसे लिखते हैं फाई और ये, तो ये मेरा गलत हो गया, ये हमारा आपका नल सेट नहीं है या फिर एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है, क्योंकि करली ब्रैकेट के बीच में हम कुछ भी लिख दें सिंबल, कोई भी अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो वो फिर एक सेट बना लेता है, और अगर आपको एम्प्टी सेट लिखना है तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, फिर एक होता है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट इसका नाम से ही पता लग रहा है, फाइनाइट सेट क्या होगा, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, कि द सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि एक सेट आएगा हमारा, कि अगर हम एक कॉइन को उछालते हैं तो क्या क्या आउटकम्स आते हैं, तो हेड और टेल, बस यही आ सकता है। तो इसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इसलिए आपके पास क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। वैसे नंबर ऑफ एलिमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 2, तो ये हो गया 2। ऐसे हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट को डिनोट करते हैं। फिर आता है हमारा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ
एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि हमने एक सेट पढ़ा था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा चले जा रहा था, एंड हमें पता है कहाँ होगा, कहीं भी नहीं होगा। तो ये बात हमें इसमें देखो, इसका एंड तो कहीं हो नहीं रहा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, ये सब आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। फिर आता है सिंगलेटन सेट, ये क्या होता है, जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 5, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ 1 है। जिस सेट में आपका नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ एक ही हो, वो हमारे पास सिंगलेटन सेट होता है। इतनी बात आपको क्लियर है बच्चों? तो इतने के बेसिस पे आप 1.1 कर सकते हो। इसको आराम आराम से देखना वीडियो को, सारी वीडियो को, और साथ साथ लिखना। उसके बाद आप 1.1 स्टार्ट करोगे और उसके एग्जांपल करोगे, वो सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे इसका 1.2, 3 वो दोनों एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, ठीक है।